Hi, good morning, everyone. Welcome to the daily newspaper analysis of the Hindu and the Indian Express. Uh, morning, all of you, and it's a Saturday morning, so I hope all of you are relaxed and uh, doing well. Good morning, good morning, all of you, good morning. morning thank you thank you thank you for your uh, wishes thank you everyone Let's start with the analysis. I hope uh, everything is audio and video is clear to everyone. Good morning, good morning, all of you. Good morning. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for your wishes. Okay. Just give me a minute. आज मैंने आप लोगों के लिए ना थोड़ा चेंज किया है मी जस्ट सी हाउ दिस वर्क सो बेसिकली वॉट ए डू इज आई मेक ऑल ऑफ माई नोट ऑन वन नोट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल और मैं इसमें ना टॉपिक वाइज सबको सेग्रीगेट करता हूँ तो इससे क्या है कि इसमें ना स्लाइड को ओपन क्लोज नहीं करना पड़ेगा एंड मोस्ट over आई थिंक वी कैन राइट ओवर we दिस ब्लैंक पेज टू edit also. सो आई थॉट दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट बिकॉज वी कैन जूम एंड जूम आउट ऐसे आई थिंक इससे आपका प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा वी कैन सी एवरीथिंग वी कैन स्क्रिबल डाउन एवरी थिंग एंड लुक स्कूल टू ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्ग वे पहले आई मैंने वन रहा था तब माइक्रो ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव इतना अच्छा नहीं था तो अभी तो इट हैज रियली ट्रांसफॉर्म्ड गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग तो आज है 24 जुलाई और आज जैसा कि आपको पता है गुरु पूर्णिमा एक्चुअली कल से ही स्टार्ट हो गया था बट कुछ लोग आज मना रहे कुछ लोग कल मना रहे थे तो आ, आ, जो मोटिवेशन कोट है आज इट इज रिलेटेड टू गुरु ओनली सो व्हेन वन फाइंड्स द ट्रू गुरु वन कॉन्स हाफ ऑफ दर्ल्ड इज दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू मतलब अगर आपको आपकी जिंदगी में एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आधी बैटल तो आप ऐसे ही जीत जाते हो देखिए आधी लड़ाई तो आपकी वहीं से ही शॉर्ट हो जाती है मतलब बाकी तो सिर्फ देखो आपको मेहनत करनी है गुरु अगर सही ना मिले तो फिर गड़बड़ हो जाता है कुछ कोई और बता देता है कोई कुछ कुछ और समझा देता है तो गुरु सही मिलना बहुत ज़रूरी है काम जिंदगी आसान हो जाती है और लाइफ के साथ साथ आपका जो है काम भी ईजी हो जाता है थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा लेट भी हो गया कोई नहीं बट सैटरडे है सैटरडे को क्या होता है कि मैं 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 भी एक्चुअली कल फुटबॉल खेला था तो काफ़ी ज़्यादा जो है पेन हो गया पैर आई थिंक एंड आई थिंक आई हर्ट माय लेग येस्टरडे सो अभी थोड़ा बेटर है उसकी एक नर्व फुल हो गई थी येस्टरडे तो आई वाज नॉट एबल टू कीप माय फीट बट अभी ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो किताब सीरीज़ जैसा कि आपको पता है कि अन अकेडमी ने लॉन्च करी है और ये किताब सीरीज़ जो है ये इसमें जितने भी आपकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो सकती हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे और आज मेरा लेक्चर है इसमें लेक्चर है ऑन द बुक टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ठीक है टेन इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया दिस बुक इज़ बाई ज़िया मोदी इसके अलावा आई विल बी टेकिंग अनादर सीरीज वो दूसरी बुक में लूंगा दैट इज ऑन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवॉल्व हुआ है uh, दोनों ही आपके पॉलिटी के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे तो ये जिया मोदी वाली जो बुक है इसको मैं आज लूंगा द टाइमिंग ऑफ द क्लासेज फोर पी एम पे टुडे फोर पी एम वी हैव द किताब सीरीज आई बी टॉकिंग अबाउट दिस बुक एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर यू के एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से मेन्स आंसर राइटिंग में बाकी तो खैर वी आर स्टिल अवेटिंग अ फाइनल ऑफर अभी इसमें वैसे ये ऑफर अभी भी कंटिन्यूड है वैसे बुक वाला जो है सो so, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बुक तो आपको हंड्रेड परसेंट मिल रही है बुक अब अब अगर आप कोई भी नया सब्सक्रिप्शन लेते हो या रिन्यू करते हो तो विदाउट अ डाउट बुक तो आपको मिलने ही मिलनी है उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं तो बुक के बारे में तो मची सोचिए आप लोग और आ, बाकी ओलंपिक चालू हो चुके हैं हमारी टीम जो है वो पहुंच चुकी है हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को और आई होप दे डू रियली वेल एंड दैट इज वॉट द आइडिया इज चलिए तो पहला जो आज का एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा आई थिंक ये वाला फॉर्मेट आप लोग को ज़्यादा ईजी हो रहा होगा नहीं दिस दिस स्लाइड फॉर्मेट यहाँ पे वी कैन जूम एंड जूम आउट एस अकॉर्डिंगली एंड वॉट एवर आई विल बी राइटिंग विल बी स्टोर्ड तो मेन चीज़ है कि डिलीट नहीं होगा इसमें किताब सीरीज इज बेसिकली प्लस कोर्स सीरीज जहां पे हर टॉप एजुकेटर एक और या दो बुक्स को इम्पोर्टेंट जैसे अमर से, से की बुक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन एंड लॉट ऑफ़ सो उनमें अलग अलग एजुकेटर्स जो है उसको लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें किताब सीरीज इज ऑन प्लस वो अकेडमी प्लस पे है इट्स नॉट अवेलेबल एनी एल्स इट्स ऑन प्लस ठीक है चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन तो पहला आज का एडिटोरियल जो हम देखेंगे एम्पावरिंग नेचर विद बायोसेंट्रिक इसमें दो चीज़ें इन्होंने बोली हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं बायोसेंट्रिक जूरिस्प्रिट जूरिस्प्रिटेंस का मतलब क्या है देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है बायोसेंट्रिक और एक होता है एंथ्रोप्रो सेंट्रिक एंड एंथ्रोपोसिनिक तो ये एक जजमेंट आया है हमने कल ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड के बारे में बात की थी देखिए ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड क्या है वो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है मोर लेस देन टू हंड्रेड अडल्ट जो है आप कह सकते हो स्पीशीज इस समय सर्वाइव कर रहे हैं तो अभी एक रिसेंटली मद्रास कोर्ट का जजमेंट आया है मद्रास कोर्ट ने यह बोल दिया है कि आप आपको पता होगा राजस्थान में पावर केबल्स होती हैं देखिए राजस्थान में पावर केबल्स लगी हुई है वायर लगे हुए राजस्थान में और गुजरात में और जनरली ये राजस्थान गुजरात का इनका प्रेफर्ड एरिया है ये वहीं पे रहते हैं ज्यादातर और ग्रासलैंड्स प्रेफर्ड है आपके जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं तो बायोसेंट्रिक अप्रोच ये बोलता है अगर हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करें कि हमारे लिए नेचर और नेचर के लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोसेंट्रिक या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोलता है कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन द्वारा बनाए गए लॉज आर मोर इम्पोर्टेंट तो ये एडिटोरियल बताता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बायोसेंट्रिक अप्रोच लिया है राधा देन एंथ्रोप्रोसेंट्रिक अप्रोच रिजर्व करने के लिए और उन्होंने बोला है जो ये पावर केबल्स है राजस्थान और गुजरात में इनको उन्होंने बोला है शिफ्ट करो आप या इसके लिए आप बर्ड डाइवर्टर्स बनाओ ताकि बर्ड जो है बीच में निकल पाए उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एक तो पहली बात हैवी बर्ड स्पीशीज हैं ठीक है हैवी बर्ड स्पीशीज हैं दूसरा क्या है कि उनका फ्रंटल विजुअल लैकिंग है फ्रंटल विजन मतलब वो सीधे नहीं देख पाते साइड में देखते हैं थोड़ा एंगल पे देखते हैं तो आगे जो भी कुछ चीजें रहती हैं वो देख नहीं पाते बेचारे तो इस वजह से वो पावर केबल पावर लाइन से टकरा जाते हैं और मर जाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो उन्होंने बोला कि आप जो है ये पावर केबल हटाओ अंडरग्राउंड करो इनको चाहे कुछ भी करो या बर्ड डाइवर्टर्स लगाओ हमें इससे मतलब नहीं है ट इज बेस्ट फॉर द नेचर एंड दर्ड तो इसको बोला जाता है बायोसेंट्रिक अप्रोच मतलब नेचर को प्रेफरेंस दिया कि नेचर के जो लॉज हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स उनका भी इक्वल एक राइट है राधर देन यू नो ह्यूमन बींगस थिंकिंग नहीं हमें जो करना है हम तो करेंगे ही करेंगे what the article is about and this is about अबाउट अ of Madras High Court. वो Madras High Court का जो केस है the name of the cases the very important to mention in the exam. जी एस थ्री environment. पॉलिटी द नेम ऑफ द जजमेंट इज केसिस एम के रंजीत सिंह वर्सेज अदर्स एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एम के रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आप बस ये लिख सकते हो एम के रंजीत सिंह केस लिख सकते हो <laughs> एग्जाम के लिए तो इन्होंने बोला है कि जहां पे भी आपकी ओवरहेड पावर लाइन है राजस्थान गुजरात में शाल टेक स्टेप्स फॉरवर्ड टू तो इंस्टॉल वर्ड डाइवर्टर्स पेंडिंग कंसलट्रेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ओवर केबल्स इन टू तो अंडरग्राउंड पावर लाइन सिंपल अभी आप देखो आजकल वैसे भी जो पावर लाइन्स बन रही हैं इन इन मोस्ट ऑफ द न्यू सिटीज ठीक है वो आपकी अंडरग्राउंड ही बन रही है मोस्ट ऑफ दन रही हैं वो आपकी अंडरग्राउंड ही बन रही हैं बट अभी भी आप देखो काम चल रहा है कि जो ओवरहेड केबल्स हैं जैसे मैं आपको नोएडा का एक्जाम्पल देता हूँ इस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ रहता हूँ मैं सेक्टर फिफ्टी फिफ्टी वन इसके आसपास में आप देखोगे वहाँ पे ना पेड़ बहुत हैं लॉट ऑफ ग्रीन रीट थैंक थैंकफुली दैट्स द गुड पार्ट बट सारी केबल्स के बीच से जा रहा है तो so, मानसून आने के पहले जनरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है उन पेड़ों की छटाई करता है ब्रांचेस को कट करता है प्रून करता है ताकि वो जो पेड़ ना गिर जाए आंधी आने पर बट फिर भी नहीं कर पाते तो ओवरहेड केबल्स की प्रॉब्लम तो देखो ये है तो जब तक आप अंडरग्राउंड नहीं करोगे तब तक इट विल बी अ प्रॉब्लम कभी वायर गिर जाएगा कभी बार बार जो है ट्रिपिंग हो जाएगी वायर की कुछ ना कुछ तो हो जाएगा तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है तो अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो आपकी बहुत आजकल तो मतलब इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड स्पेशली इन एरियाज हाँ विच आर प्रोन टू डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज लाइक साइक्लोनिक रेनफॉल जैसे मुंबई मुंबई में देखो आप बहुत जरूरत है ईस्टर्न कोस्ट में बहुत जरूरत है सो so, यहाँ पे तो करना ही चाहिए सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एफिडेविट फाइल किया है दैट द ग्रेट इंडियन इन्वेस्टर्ड फ्रंटल विजन ड्यू टू दिस दे कैन नॉट डिटेक्ट पावर लाइन्स अहेड ऑफ देम एज देर हैवी दे आर अनेबल टू अक्रॉस पावर लाइन्स विद इन द क्लोज डिस्टेंस सस दे आर वनरेबल टू कोलिजन विद पावर लाइन्स अब पावर मिनिस्ट्री बोल रही है कि भाई उनको दिखता नहीं है तो, सुप, तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने बोला ऑब्वियसली बातें नहीं दिखता है तो आप एक काम करो कि भाई उसको अंडरग्राउंड कर दो तो so, बायोसेंट्रिक वैल्यूज

हाँ जी सॉरी सॉरी तो बायो जो सेंट्रिज्म की जो फिलोसफी है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आती है विद एंथ्रोप्रोसेंट्रिज्म एंथ्रोप्रोसेंट्रिज्म बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स हर चीज के सेंटर है ह्यूमन बीइंग्स जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं एंथ्रोपोर वैसे भी आप देखोगे एंथ्रोमीन्स ह्यूमन सो इट आर्ग्यूज दट ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ ह्यूमस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दैट ऑल अदर रिसोर्स ऑन अर्थ में भी जस्टिफाइबली एक्सप्लॉयडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूम बींग्स तो ना ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ना रख के कोर्ट ने बोला कि हम बायोसेंट्रिक अप्रोच रखेंगे और इस चीज के बारे में आपको रेफरेंस मिलता है इन द बुक रिटन नोन एज पॉलिटिक्स विच वॉज रिटन बाय अरिस्टॉटल वेरी फेमस एंड ऑल्सो द मॉरल फिलोसफी ऑफ इमानुअल कांत अमंग्स मेनी अदर्स हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं बायोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में मैंशन किया गया है अब इसका इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आर्टिकल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इंडिया के एग्जाम्पल दिया है दे हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ यूएस केस ऑल्सो दे वॉज अ केस ऑफ स्नेल डार्टर स्नेल डार्टर वॉज अ फिश इन यू एस इन द स्टेट ऑफ टेनेसी वहाँ पे क्या हुआ नाइनटीन सेवनटी थ्री में एक ये फिश डिस्कवर की गई थी स्नेल uh, डार्टर करके और वहां पे एक प्रोजेक्ट बनने वाला था uh, जो बेसिकली डैम का प्रोजेक्ट था टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट तो वो टेनेसी रिवर जो रिजर्व प्रोजेक्ट था टेलीको का उसके लिए खिलाफ केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उन्होंने बोला कि जो फिश है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है इट्स एन एंडेंजर्ड फिश बाद में क्या किया यूएस की कांग्रेस ने एक बाईपास करने के लिए लॉ बनाया और आपको पता है टेनेसी वैली अथॉरिटी सेटअप की गई फिर डैम बना फिर तो उसके बाद रिजर्व बना और आज के टाइम पे फिश जो है बहुत ही कम नंबर रह गए एंड द फिश द फर्ड एक्सट्रीमली तो ये एग्जाम जो है अगर आप देखोगे आप ध्यान रखोगे कि आप ये कोट कर सकते हो दैट हाउ द फिश नेम्ड अ स्नेल डाटर ऑलमोस्ट गॉट एक्सटेंट इन यू एस बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट ने तो अपोल्ड कर दिया बट लेकिन जो वहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है उन्हें उससे मतलब नहीं है उन्हें अपने वोट बैंक से मतलब है तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई पावर प्रोजेक्ट तो आगे जाएगा तो स्नेल डाटर इज इम्पॉर्टेंट हर्षदीप फ्रॉम मसूरी सर क्वेश्चन प्लीज लेवल बढ़ाइए थोड़ा सर मसूरी से हो तो आपको क्या लेवल बढ़ाएं आपका तो लेवल ऑलरेडी बढ़ा है, तो बढ़ा है. <laughs> जब आप मसूरी पहुंच ही गए हो तो जरा सा बगल में लवासना पाँच जाओ क्या करोगे लेवल बढ़ा के लेवल तो आपको बढ़ा ही हुआ है सर पहले से ही और कितना लेवल बढ़ाओगे कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ी पहुंच जाओगे सीधे गेम थोड़ी चल रहा है लेवल अप लेवल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सर धीमे धीमे बढ़ता है ना पहले टॉपिक समझेंगे उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आता है तुरंत थोड़ी क्वेश्चन कराने लग जाते हैं लेवल एनीवे सो सिमिलरली आप देखो अबाउट फिफ्टी मोर देन फोर फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड लाइन्स इन अफ्रीका आज बीस हजार से कम है चाहे आप एलिफेंट देख लो चाहे आप राइनोस देख लो हर स्पीशीज के साथ कुछ ना कुछ हुआ है मैडगास्कर जो सबसे कह सकते हो इंडिजिनस एरिया uh, है वहां पे स्पीशीज ऐसे हैं जो बिल्कुल एंडेमिक है मतलब और कहीं नहीं मिलते मैटास्कर जैसी जगह पे वहां तक भी कई सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेमूर्स जिनको हम बोलते हैं लेमूर्स तो आई के की जो लिस्ट आती है उसमें उन्होंने देखा कि थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड स्पीशीज दैट आर ग्रेवली एंडेंजर्ड एंड द लिस्ट इज एवर ग्रोइंग ऑल्सो तो कुछ तो देखिए ग्रीन शूट्स भी हैं मतलब देर आर सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आल्सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखोगे इंडिया में एनजीटी हो गया वैसे तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ इनके पास पावर नहीं है दे डोंट हैव पावर ऑन एन डब्ल्यू पी ए बट अदरवाइज आप देखो एक्टिविस्ट लोग हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इवन कोर्ट्स जो है उन्होंने आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर राइट टू इन्वायरमेंट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की हुई है एंड जुडिश्री बहुत सारे केसेस में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट आज भी आप देखो एनजीटी का एक ऑर्डर आया हुआ जिसको हम देखेंगे तो उन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंट केसेस दिए हैं आज के टाइम पे अगर आप देखो कि बहुत हद तक अगर हमारा इन्वायरमेंट बचा हुआ तो उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा बहुत, बहुत बहुत ही बड़ा रोल है और इस आर्टिकल में आप देखो लास्ट में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं कि सितंबर 2008 में इक्वेटोर जो है वो पहली कंट्री बन गया था वर्ल्ड की जिसने रिकॉग्नाइज किया राइट टू नेचर इन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बोलिविया ने ज्वाइन किया है मूवमेंट टू स्टैब्लिशिंग राइट ऑफ नेचर लॉस टू दो में पिट्सबर्ग फर्स्ट मेजर सिटी इन यूएस टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ नेचर ये सारे एक एक लाइन ये तीन लाइन का एक पॉइंट इधर एक लाइन का पॉइंट टेनेसी वैली वाला पॉइंट ये सारे पॉइंट आप मेन्स आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के लिए कि कैसे गिविंग प्राइमेसी और इम्पोर्टेंस टू बायोसेंट्रिजम तो ये जो इन the इन the टाइम्स लाइक दिस दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन the mg के रंजीत सिंह से अप होल्डिंग द बायोसेंट्रिक प्रिंसिपल्स ऑफ को एक्जिस्टेंस इज अ शॉर्ट इन द आर्म ऑफ नेचर कंजर्वेशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो so, ये जो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है पहले मद्रास हाई कोर्ट गया था उसके बाद सेम चीज़ को अपहोल्ड करते हुए इन्होंने ये इसको अपहोल्ड कर दिया है और दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट आई थिंक दिस विल भी रेप्लीकेटेड इन अदर केसेज ऑल्सो जहाँ पे और स्पीशीज की प्रोटेक्शन की बात की जाएगी ठीक है तो जस्ट रिमेंबर दिस यहाँ पे नोट करने के लिए आपके पास लास्ट में दो तो पैराग्राफ हैं इनिशियली uh, जो टेनेसी वैली वाला पैराग्राफ है और बाकी तो खैर डिफरेंस बिटवीन बायोसेंट्रिज्म एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो यही एक आर्टिकल अच्छा था उसके अलावा जो है गंगा के जो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसके बारे में वैसे हमने कल बात की थी बट एज यू you नो know कि माइक्रो पोल्यूशन माइक्रो प्लास्टिक जो है वो एक बहुत बड़ा मैनिस है और ना सिर्फ वो नदियों को पोल्यूट करता है रिवर से वो फ्लो होते हुए आपके ओशंस में पहुंच जाता है फिर वो आपके स्पीशीज़ को अफेक्ट करता है फिर उससे क्या होगा उनको कंज्यूम करेंगे तो बायो मैग्निफिकेशन होगा उससे तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले उठाने की ज़रूरत है स्पेशली फॉर क्लिनिंग ऑफ गंगा तो आ, अगर आप देखोगे यहाँ पे कानपुर से हरिद्वार में लेके जब हरिद्वार से फ्लो होती है जनरली जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है गंगा में वो हरिद्वार के बाद से पोल्यूशन चालू हो जाता है एंड गोज ऑन टिल कानपुर तो द डेटा शो इज द अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट फाइबर फ्रैगमेंस इन टू प्लेसेस माइक्रो बीड्स विद द कॉम्पोजिशन पॉइंटिंग टू बोथ इंडस्ट्रियल एंड सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक दीज रेंज फ्रॉम टायर क्लोदिंग फूड पैकेजिंग बैग्स कॉस्मेटिक विद माइक्रो बीड्स एक तो हमारी आदत होती है हम हर चीज का क्या करते हैं ना स्वाहा कर देते हैं पानी में ले जाके पूजा होगी तो उसको पानी में बहाना है ठीक है uh, कुछ भी होगा हवन होगा उसको पानी में बहाना है कुछ भी होगा दान दक्षिणा पानी में बहाना है अब वो कल्चर है ट्रेडिशन है उसके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते बट आई थिंक पानी में बहाना इज अ कस्टम ठीक है उसके लिए आई थिंक वॉट अथॉरिटीज़ कैन डू इज अगर हम इतने ही सीरियस हैं नदियों को क्लीन करने के लिए कि नदी का थोड़ा सा पोर्शन डाइवर्ट करके लाइक मेक अ कैनाल लाइक अ सॉर्ट ऑफ थिंग उसमें लोगों को बोला जाए कि आप इसमें कर लो और वो पानी को फिर क्या करके आगे फिल्टर करके जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं या जितने भी आप कह सकते हो एफ्लुएंस हैं उनको रोक के रिसाइकिल करके देन द the पानी कैन बी री द आइडिया इज बेसिकली कि आपका फेथ और नेचर अभी फिर से वही बायोसेंट्रिक बात है कि अगर मान लो ये मेन नदी ऐसे जा रही है इसका थोड़ा सा पानी ऐसे साइड में डाइवर्ट कर दिया कैनाल में और लोगों को बोला कि भाई आप रिलीजियस प्रोसेशन के लिए यहाँ पे कर दो वॉट यू कैन डू इज आप जो है यहां पे कर दो इसको जो है यहां पे गैदरिंग कर लो और पानी और यहाँ पे आप वो लगा दो जो कैचर होते हैं इसके दैट कैन कैच एफ्लुएंस एंड बाद में पानी को ले जाके आप वहां पे ऐड करा दो और हो सके तो आप ऐड भी मत कराओ इस पानी को चाहो तो आप इसको अलग से यहां पे स्टोर करा लो टैंक में नहीं देखो रीजन क्या होता है मैं उसका लॉजिक बताता हूँ कि अगर आप टैंक बना दोगे तो टैंक वाला जस्टिफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि बहते हुए पानी का कॉन्सेप्ट होता है दैट द वॉटर शुड बी फ्लोइंग ठीक है तो वाटर शुड बी फ्लोइंग बहते हुए पानी का कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा अप्रिशिएट होता है उसमें ना स्टिल वाटर जो है वो थोड़ा हिंदुज़म में नहीं माना जाता रुके हुए पानी को वैल्यू नहीं करते वो होता है कि पानी बह गया तो उसके साथ सारी जो चीज़ें थी वो बह गई तो इसलिए एक फ्लोइंग वाटर का कॉन्सेप्ट होता है तो अगर आप टैंक बना दो लोग यूज़ नहीं करेंगे फिर टैंक रहेगा तो उसमें बदबू आएगी गंदगी रहेगी पानी फ्लो करता है तो सारे एफ्लुएंट्स बह जाते हैं एक जगह अगर इकट्ठा हो जाएगा पानी तो उससे दिक्कत होगी तो आइडिया इज़ कि आप एक डाइवर्जन कर दो छोटा सा ठीक है उसमें लोगों को बोलो कि आप एरिया बना दो आप पेमेंट बना दो कि आप यहां पे विसर्जन उसको हम बोलते हैं विसर्जन करना जो विसर्जन करना है आप ऐसे कर लो मुंबई में होता है तो मेश लाइक -like स्ट्रक्चर यहां बना दो उसको कैच करने के लिए कैच करने के लिए नेट्स बना लो मतलब आई डोंट थिंक सो कि वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस मतलब ये तो हमारे मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है पहले महीने में बता देगा सोल्यूशन आपको

एटलीस्ट कहीं तो स्टार्ट करोगे सो दैट इज द पॉइंट सो जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक यूल नॉट फाइंड अ सल्यूशन टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग द रिवर्स तो फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इनविजिबल टू द नेकेड आइट बिलो थ्री हंड्रेड माइक्रो टू फाइव मिलीमीटर्स द कंट्रीज द रिवर्स तो माइक्रो प्लास्टिक अगर आप देखोगे हैज बीन रिकॉर्ड इन रिसेंट टाइम इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस सिर्फ पानी में नहीं मिल रहा है माउंट एवरेस्ट में भी मिला बताओ क्योंकि इतने सारे लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट वहां प्लास्टिक की बॉटल छोड़ते हैं कोई पॉली पन्नी पन्नी छोड़ाएगा वहां पे ठीक है सो माउंट एवरेस्ट आर्टिक स्नो आइसलैंडिक ग्लेशियर फ्रेंच पैरनीज एंड द डेप्थ ऑफ मैरियाना ट्रेंच हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैंने जोग्रफी की क्लास में बताया था मैरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ वाटर में चैलेंजर डीप वहां पे भी सर सोचो प्लास्टिक मिला है मेरे को तो ऐसा भी लगता है कल को, को कोई नई डिस्कवरी होगी आर्टिक में उसके अंदर भी प्लास्टिक मिलेगा एलियंस भी सोचेंगे भाई सब यहाँ सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है तो हर जगह प्लास्टिक पहाड़ में प्लास्टिक पानी में प्लास्टिक पोल में प्लास्टिक कोर में भी प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इशूड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बट ड्रॉप द बॉल इन इंप्लीमेंटेशन ऑल्दो द सेंटर रिसेंटली इशूड अ ड्राफ्ट टू टाइटन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तो आप लोग वैसे भी पढ़ते हो एनवायरमेंट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजें तो so, ये कहीं ना कहीं हेल्प तो करते हैं जैसे एक काम तो अच्छा होता है अथॉरिटी का आप देखते हो क्लास हमारी जब चल रही होती है उसके बीच में आज क्या बात है साढ़े सात सौ लोग क्लास में लाइव आ गए आज लगता है सैटरडे को लोग जो है इन्जॉय कर रहे हैं क्लास सैटरडे है, इज फ्री सो आज सब लोग ही डी एन ए देखने आ गए अच्छी बात है सो so, आप देखोगे कि नोएडा अथॉरिटी का ऐड आता था नोएडा अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप ये जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग करें ग्रीन और ब्लू बास्केट करें फिर उससे क्या होता है ना इजी हो जाता है सेग्रीगेट करना तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो हर किसी के घर से चालू होता है वो तो हर क्योंकि देखो मैन पावर लिमिटेड है अथॉरिटीज हर चीज अपने आप नहीं कर पाएंगी ये हर ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमसे और आपसे वहां से लिंक होती है और वहीं से चालू होती है तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है चलिए अब वी के पॉल साहब हैं नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर पॉल साहब बोल रहे हैं कि अगर अनलॉक करेंगे तो इट कैन लीड टू राइज इन कोविड नाइनटीन केसेस सर अब तो हक हो गया अब तो लोग मसूरी घूम आए अब तो लोग मनाली भी हो आए अब तो लोग पहाड़ पे जाके नहा के भी आ गए केमटी फॉल में तो अब तो जो होना है वो होगा अब बात यह है कब होगा अभी होगा एक एक हफ्ते बाद होगा दस दिन बाद होगा बीस दिन बाद होगा एक महीने बाद होगा प्रॉबली ऑगस्ट फर्स्ट वीक या ऑगस्ट एंड अभी आप देखो केसेस बढ़ने चालू हो गए महाराष्ट्र में धीमे धीमे तो टोटल वैक्सीनेशन डोजेज इतने हैं अब ये बता रहे हैं कि ज़्यादा अनलॉक करोगे लोग ज़्यादा मिलेंगे सर अनलॉक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे काम भी तो नहीं चलेगा काम भी तो चलना है अगर अनलॉक नहीं होगा तो कैसे चलेगा अच्छा मैक्सिमम डोज देखो आपकी कौन कौन सी लगी है कोविशील्ड लगी है सेवेंटी लाख के आसपास कोवैक्सीन लगी है ट्वेंटी थ्री लाख स्पुतनिक वी लगी है ट्वेंटी के आसपास बाकी जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पांच वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल की जो है फेज में है नेक्स्ट दो न्यूज आइटम्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला जो है वो जीएसटू पॉलिटी से रिलेटेड है इसमें पावर है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड इसमें जो पॉइंट दिया है वो है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एनएसए एस और प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको पता है प्रिवेंटिव के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिंसिपल है कि, कि किसी को भी डिटेन किया जा सकता है इन केस इफ देर इज अ चांस ऑफ अ थ्रेट और थ्रेट पॉसिबिलिटी तो क्योंकि एलजी साहब जो मेन है दिल्ली में तो एल साहब ने अपनी पावर यूज करते हुए अंडर सब सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन टू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाइनटीन एटी द एल जी गवर्नर इज प्लीज टू रिलाड जुलाई नाइनटीन टू अक्टूबर एटीन द डेली पुलिस कमिश्नर में भी एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटी अंडर तो, तो उन्होंने क्या करा अपनी तरफ से सिर्फ डेलीगेट कर दिया है कि क्योंकि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड जनरली क्या होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो करते हैं तो अगर आपके डीसी हैं तो उनके पास पावर होती है कमिश्नर हैं तो उनके पास पावर होती है अब दिल्ली के तो राजा एक तरीके से एलजी साहब हैं तो एलजी साहब ने अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये बोल दिया है कि इस पीरियड के दौरान अगर एन का कुछ काम है अगर आपको किसी को डिटेन करना है तो आप डिटेन करिए बेसिकली ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन पार्लियामेंट के सेशन में होता है कि लोग दंगे करेंगे दिल्ली में तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन करना है तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर माई ऑर्डर विच इज अ गुड थिंग बिकॉज ही इज डेलीकेटेड द टास्क डायरेक्टली टू द डेली पुलिस चीफ डेली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया तो दिस इज अम्पॉर्टेंट कि कैसे डेलीगेटेड टास्क असाइन किया जाता है तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है विच हैज बिन गिवन टू दिल्ली पुलिस कमिश्नर डेलीगेशन ऑफ पावर ठीक है तो ये याद रखिएगा बाकी एंटनी ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ही इज गोइंग टू कम एंड विजिट इंडिया और अफगानिस्तान से लेके क्वाड से लेके वैक्सीन इन सब चीज़ों पे बात होने वाली है सो ही इज गोइंग टू कम नेक्स्ट वीक फॉर अ टू डे विजिट ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है तो इसमें चाइना को लेकर तो ऑफकोर्स बात होगी होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे आ रही है क्योंकि आप देखो अभी ही सी सी चाइनीस कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हंड्रेड ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है फर्स्ट जुलाई को और फिर से वो अभी आप देखो कल शी जिनपिंग तिब्बत के पास एक गांव तक पहुंच गए तो वो फिर से अपनी जो है फावड़ा लेके चालू होने वाले हैं ठीक है उनका आ चुका है टाइम अभी थोड़ी बारिश वारिश हो रही है इसलिए थोड़ा फावड़ा उन्होंने पीछे रखा हुआ है फावड़ा बजरी ईटा सीमेंट विमेंट जो है तो वो देखने गए होंगे क्योंकि वो भी देखो शी जिनपिंग भी वही है बेसिकली मैं तो उन्हें वही समझता हूँ कि वो तो जैसे होता कॉन्ट्रैक्टर टाइप होते ठेकेदार तो ठेकेदार पहुंच गए वो देखने गए कि हमारे जो है लेबर फोर्स है कि नहीं बजरी बजरी लाए हो ईटा लाए हो कि नहीं लाए हो सीमेंट इवन फावड़ा वावड़ा तो देखने गए कि हमें कहाँ पे क्या बनाना है तो कल इंटरेस्टिंगली मैं कल प्लस क्लास में अपनी आई की यही बता रहा था कि इनका ना क्या चलता है इन लोग का चलता होगा सी जो है कि हम एक दिन ना डार्ट डार्ट खेलेंगे तो डार्ट में एक दिन रहेगा लद्दाख एक दिन रहेगा तवांग एक दिन रहेगा भूटान एक दिन रहेगा साउथ चाइना सी एक दिन रहेगा यूएस तो जहाँ डार्ट पड़ जाए डार्ट वाला गेम होता है ना मारना होता है तो जहाँ जिस दिन दो डार्ट पड़ जाए उस दिन वहाँ पे इनको कब्जा करना होता है तो गलवान में तो इन्होंने गलवान वाली सिविलाइजेशन बना दी थी ठीक है उसको मैं जीवीसी बोलता हूँ पूरा पीछे देखो सिविलाइजेशन बसा रखी थी इन्होंने सैटेलाइट से देखा इन्होंने तो इनको वही लगता है कि ये अपना जो है उसी ढर्रे पे ढर्रे पे चलने वाले तालिबान के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है क्योंकि तालिबान इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन नाउ अब पाकिस्तान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है अगली न्यूज है वो पाकिस्तान और इमरान खान के फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है फ्रस्ट्रेटेड 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 बिकॉज बिकॉज डू यू नो पाकिस्तान इज तालिबान इनकी पिटाई कर रहा है <laughs> तालिबान ने इनको बोला तुम अपने रस्ते, हम अपने रस्ते तालिबान इज लाइक वी हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान तो अभी आप देखो पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि तालिबान जो है पावरफुल हो जाएगा तो हमारी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी अब तालिबान व्हाट दे हैव डन इज तालिबान हैज सेड डायरेक्टली भाई वी आर नॉट किसी का सगा ठीक है इफ़ आई वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान वी आर नॉट गोइंग टू बी विध यू अब पाकिस्तान की ही मीडिया और पाकिस्तान के ही लोग तालिबान की बुराई करने लग गए तो अब यहां से कुछ नहीं हो रहा अब नाउ दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज पाकिस्तानी जो है ये लोग बीच में फंस गए इधर से इंडिया मारेगा और इधर से तालिबान का तहरीक तालिबान मारेगा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है अब नाउ दे आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ वर्ट दे हैव कम डाउन टू लेवल इज देव आज जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तोयबा कि तुम जो है ड्रोन ले जाके इंडिया के ऊपर अटैक करो अभी कल एक ड्रोन गिराया गया है जिसमें फाइव के जी एक्सप्लोजिव था और आज ही इंडिया ने कल डिसीजन हो गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि हम लोग ड्रोन जैमर्स लगाएंगे और एडवांस ड्रोन जो वॉरफेयर के लिए यूज होते हैं उनको यूज करेंगे टू इट डाउन तो अब क्या है ये लोग जो है वो ड्रोन के लेवल पे आ गए क्योंकि अब अब इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो तो घुस नहीं पाते जैसे ही घुसते हैं उनको गोली पड़ जाती है तो अब क्या है दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज आई डी डिवाइसिस इम्प्रूव एक्सप्लोजिव डिवाइसिस फाइव के जी का था बहुत ही सिग्निफिकेंट है ऑन अ ड्रोन तो ये कस्टमाइज ड्रोन इन्होंने बनाना सीख लिया है और ये उड़ा उड़ा के वो सब चीज़ें कर रहा है तो अभी जो है पूरा जो वेस्टर्न सेक्शन है हमारा उसको पूरा जो बॉर्डर है उसको बीफअप किया जा रहा है इंफ्रेट कैमराज सेंसर कैमराज ड्रोन जैमर सब चीज़ लगाई जा रही है तो अभी थोड़ा बड़ा सेंसिटिव है तो ड्रोन लेके ये आ, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर अब इसी को लेके प्रशांत भूषण जी सवाल उठा रहे हैं कि भैया है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है ठीक है इसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट बेसिकली ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है इसके अंदर ये जितनी भी आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं लाइक रॉ आई बी यू नो एन आई ए इनका बजट जाता है एज यू नो कि ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का बजट इज नॉन वोटेबल इट इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तो इस पर वोटिंग नहीं कर सकता पार्लियामेंट बट क्या होता है कि रिपोर्ट तो देनी पड़ती है ना पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि सर पिछली बार 500 करोड़ मांगे थे इस बार हमें दस हजार करोड़ चाहिए तीन हजार करोड़ चाहिए तो ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल स्पेंडिंग जो है तेरह टाइम्स जो है बढ़ चुकी है टू एट हंड्रेड टेन करोड़ इन ट्वेंटी तो ये पेगेसिस के रेफरेंस में कहना चाह रहे हैं कि भाई Pegasus जैसे सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए course, पैसा खर्च करना पड़ा होगा तो ये बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा बजट आपका कैसे खर्चा हो गया क्योंकि बजटरी एलोकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इीज टेन टाइम्स फ्रॉम थर्टी थ्री करोड़ टू थ्री थर्टी थ्री करोड़ इन ट्वेंटी जस्ट वन सेक्शन ये एनएसए के अंदर वाला है मतलब बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर का जो ऑफिस है उसका बजट ही है इसमें रॉ और आईबी का नहीं है वो सबका अलग है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है तो ही एज जस्ट स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट द एन एस एज ऑफिस ही ट्वीटेड इन 2016 दैट द बजट वाज थर्टी थ्री करोड नाउ इट हैज रिजन टू ऑलमोस्ट 810 हंड्रेड और यहां पे उन्होंने बोला कि जैसे एन एस ओ पेड हंड्रेड्स ऑफ करोड फॉर साइबर हैकिंग ऑफ अपन जर्नल जर्नलिस्ट जजेस ईसी यूजिंग पेगासस सॉफ्टवेयर तो इनका ये कहना है कि लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं अंडर द न्यू हेड ऑफ़ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कुछ ना कुछ uh, ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि शायद इसमें से 100 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं वो पैगेस सॉफ्टवेयर के थ्रू हैकिंग करने के लिए पैगेस को दिए एनएसओ कंपनी को दिए गए वॉज रेफरिंग टू कि भाई ऐसा क्यों है तो इन्होंने बोला कि और जनरली कब हुआ ये उन्होंने बोला कि ये जब इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा उसके पहले हुआ ये लोकसभा के इलेक्शंस के पहले नोटिस किया गया कि जन सडनली ये जो बजट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के ऑफिस का वो आपका बढ़ गया अरे एम छोड़ो इग्नोर करो यार ए एम क्या लग जाते हो बच्चों की तरह लड़ने एक ही चीज को स्पैम करते रहते हो तो बार 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 चलो आ जाओ अब, अब आप देखो मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है ठीक है महाराष्ट्र में इनफैक्ट आपके वेस्टर्न राजस्थान में बारिश होना चालू हुई है पता नहीं हमशेखर आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है गुजरात में काफ़ी बारिश हुई थी बट अभी क्या है इन सब एरिया में आप देखो थोड़ा डेफिसिट भी आ गया कुछ कुछ पोर्शन में कुछ जगह बारिश हो रही है बट सडनली uh, जो होता है ना जिनको सडन कन्वेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं वो होने लग गया है बट ये जो आपको मैप में दिख रहा है उसको ध्यान से देखिएगा ये जो ग्रीन एरियाज हैं यहाँ पे नॉर्मल मानसून है और जो ब्लू वाले हैं यहाँ पे थोड़ा एक्सेस है और सिविरली एक्सेस मतलब तेलंगाना में और अगर आप देखो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है एक्सेस में बारिश हो रही है बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट जो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है माइसिन राम एंड मेघालय इज फेसिंग अ डेफिसिट ऑफ रेनफॉल बीस से 50 परसेंट के आसपास मतलब 20 से 50 परसेंट के आसपास डेफिसिट है राजस्थान गुजरात के मोसर डिस्ट्रिक्ट में डेफिसिट है केरला इंटरेस्टिंगली हैज़ डेफिसिट ऑफ रेनफॉल तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ गई है पहले हम सुनते थे कि केरला सबसे ज़्यादा बारिश होती थी केरला में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी इस बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रही है केरला में नहीं हो रही है बारिश जो है और जो ट्रेडिशनल एरियाज है वहां बारिश नहीं हो रही है बाकी और सब जगह ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं ये अन हीटिंग एंड क्लाइमेट चेंज का एक रिजल्ट आपको देखने को अब मिल रहा है आप सोचो कि यहाँ पे और बल्कि आप सोचो तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से तो बारिश ही नहीं होती थी बहुत कम होती थी तमिलनाडु में तो जो भी बारिश होती थी वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती थी तमिलनाडु में बारिश होने लग गई है मतलब इमेजिन द एक्सटेंट कैसे पैटर्न चेंज हुआ है विंड का तो दिस इज सो सेवरल पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोंकण कोस्ट एंड सदर्न पेनिनसुला वर विटनेसिंग इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल बिकॉज ऑफ इंसेसेंट हीटिंग मतलब देखो तमिलनाडु ये सब एरिया क्या है हीटअप ज़्यादा हो रहे हैं तो वहां पे क्या डेली कन्वेक्टिव रेनफॉल हो जाता है सेम पीरियड में नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया आप देखो डेली में भी और डेली एंड एनसीआर में आप देखोगे की मेजरली जो बारिश हुई है वो दस पंद्रह दिन लेट मानसून आया तो अभी क्या है देखो हम कितने भी एडवांस हो जाएं लेकिन अभी भी मॉनसून के डायनेमिक्स हम लोग पूरी तरीके से समझ नहीं सकते अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है एक तो देखो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है बिकॉज एनसो uh, आने वाला था बट एनसो नहीं आया मे बी द फेज इज रिलेटेड टू मैडन जूलियन ऑसोलेशन अगर आपने एम जो पढ़ा होगा एमजे हो MJO, तो आपको पता होगा कि इसका एक पॉजिटिव कन्वेक्टिव फेज होता है एक नेगेटिव सप्रेसिव फेज होता है तो कई बार क्या होता है कि कंडीशन अगर अच्छी भी होती है लेकिन अगर नेगेटिव फेज आ जाए क्लाउड का तो क्लाउड फॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका बारिश थोड़ी बहुत सारी जगह डिले हुई और ये फोर टू एट वीक्स के साइकिल में घूमता है

दिस रिलेटेड टू जी एस वन सोसाइटी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड बी यूज इन जी एस टू प्रिजेंट रिफॉर्म्स जो ऐसे भी आर्टिकल्स आते हैं जनरली मिस हो जाते हैं लोगों से कि प्रिजेंट रिफॉर्म का एक और भी तरीका है कि आप गेट कीपर मॉडल बनाओ गेट कीपर होते हैं ना चौकीदार मॉडल तो चौकीदार मॉडल क्या बोलता है कि जो लोग आपके वलरेबल हैं टू सुसाइड इन जेल्स उनकी सुसाइड प्रिवेंशन के लिए निम्हंस जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने सजेशन दिया है कि आप जेल में जो सेल है उसमें एक दो लोग को आइडेंटिफाई करो जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिन पे रिस्क ऑफ सुसाइड ज्यादा है और वो लोग उनको मोटिवेट करेंगे बात करेंगे तो बड़ी सिस्टम बनाओ ये निमहंस का मॉडल तो आप इसको कोट कर सकते हो कि कैसे प्रिजन के अंदर जो स्टैंडर्ड है प्रिजन सेल्स का उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि देखो तो अल्टीमेटली जेल के अंदर भी बींग लिविंग इन अ डिसेंट स्टैंडर्ड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी जेल ऐसा थोड़ी कि जेल के अंदर आपको वैसे बिल्कुल गंदगी में रख दिया जाएगा इवन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी आता है सो निमान तो जेलों में बहुत सारी जगह आप देखोगे सुसाइड के केसेस आते हैं और इस वजह से उन्होंने बोला है और कोविड नाइनटीन में क्या किया गया है कि कोविड नाइनटीन में बहुत सारे लोगों को तो बेल पे छोड़ दिया है उसके अलावा इनको डी क्लटर और डी कंजेस्ट करने के लिए जो सेल के प्रिजनर्स हैं उन्हें थोड़े अलग अलग सेल्स में बिठा दिया है तो थोड़ा आइसोलेशन भी बढ़ गया इनका आइसोलेशन तो से आप देखोगे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि एक गेट कीपर मॉडल मतलब जनरली एक दो लोग थोड़े जो सही हो आ, उनको ऐसा बनाया जाए कि वो लोग जेल अथॉरिटीज को टाइमली इन्फॉर्म कर देट दिस पर्सन इज लुकिंग मोर प्रोन टू तो कमिटिंग सुसाइड एंड उसी में बड़ी सिस्टम रहेगा जो वो हेल्प करेंगे एक दूसरे की और और कॉन्वर्सेशन मतलब उन्होंने बोला है कि भाई फैमिली मेंबर्स इनकी रेगुलर बात कराते रहो सो एटलीस्ट दे डोंट फील आइसोलेटेड विच इज अ वेरी गुड थिंग तो निमहंस मॉडल सजेस्ट किया गया अभी बाकी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट गवर्मेंट देव अनाउंस डिसीजन टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू जॉइन हैंड्स विद क्लाइमेट ग्रुप ई वी हंड्रेड उन्होंने बोला है कि ये जो यह हंड्रेड ग्रुप है इस इसके अंदर ये कैंपेन ज्वाइन करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को दो मेक इट अ अर्मल बाई ट्वेंटी थर्टी इनफैक्ट महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू यू नो कम अंडर दिस पॉलिसी आप देखोगे दे हैव बीन एट द फो फ्रंट वो बोल रहे हैं कि पच्चीस परसेंट तक इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स करेंगे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ नोटिफिकेशन ई कॉमर्स कंपनी डिलीवरी एंड मोबिलिटी एग्रीगेटर्स विल सबमिट ईवी

तो इसमें क्या होता है एनजीटी ने बैन लगाया हुआ आपको पता है ऑन द तो सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन द एनसीआर रीजन एंड ऑल द सिटीज एंड टाउन जहां पे एम्बियंट एयर क्वालिटी पुअर है तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप क्या चैलेंज करने की जरूरत है सही तो है एनजीटी सही तो काम कर रही है उसमें भी लोगों को इशू है बोल रहे नहीं नहीं सर ये क्या हम थोड़ा आप जो इसको चेंज कर दो तो एनजीटी ने दिसंबर में आपको याद होगा दिवाली फायर क्रैकर बैन किया था उन्होंने बोला लिमिटेड पीरियड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो तो उसको इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कुछ लोगों ने पार्टीज ने जाके कि सर ये जो एनजीटी ने लगाया हुआ है ये थोड़ा गलत है ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई आर्टिकल ट्वेंटी फाइव रिलीजन जो है इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट सांस लेने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो भैया रिलीजन कहाँ लेके जाओगे रिलीजन तो तब फॉलो करेगा ना जब जिंदा रहोगे जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो रिलीजन कैसे काम आएगी आपके तो दोनों राइट को बैलेंस करने की जरूरत है आर्टिकल आर्टिकल जरूरी है at the same time. Article 19 जो है एट द सेम टाइम जी जो एंड ट्रेडर्स को राइट देता है बट इट कैन बी अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है ना क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी वन से बड़ा कोई और आर्टिकल नहीं है आज के टाइम पे फोर्टीन और ट्वेंटी वन टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर एंड मैम बिहार में नहीं यूपी में भी वहां क्रैकर की जगह बंदूकें चलती हैं जैसे बोलते हैं ना वो मिर्जापुर सीरीज़ में बाकी लोगों की शादी में डीजे बचता है हमारे यूपी में गोली चलता है तो वैसे ही हमारे यहाँ यूपी और बिहार में चलता था वैसे अब यूपी अब अब लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हो गए वैसे अब चलता नहीं है यूपी में भी नहीं चलता अब पुलिस है वेरी स्ट्रिक्ट जहाँ पे भी कुछ फायरिंग वैसे एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाते हैं बट उनको अपनी गोली का स्वाद आ जाता है बाद में तो आर्मी टू यूज जयम टू प्रोटेक्ट फॉरवर्ड बेसिस फ्रॉम ड्रोन अटैक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज ऑफ द राइजिंग मेनस ऑफ दिस ड्रोन अटैक्स तो दिसर है कमिटमेंट की एल में नहीं करेंगे देखो अब ये बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया दीज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अब फ्रस्ट्रेशन है तो क्या कर रहे हैं वो लोग कि अब खुद तो एल पे क्योंकि सीज फायर इन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है कि हम नहीं चलाएंगे तो सीज फायर एल पे फायरिंग नहीं होगी तो अब क्या करें ड्रोन से करेंगे क्योंकि ड्रोन में क्या दिखाएंगे हमने नहीं करा सर ये तो जैश ए मोहम्मद लश्कर तो आतंकवादी ग्रुप है वो लोग करते हैं हम तो सर कुछ करते ही नहीं है हम लोग तो बिल्कुल पाक साफ है वी डोंट डू डोंग इट इज ओनली दी टेरिस्ट फायर ऑन एल ओसी बिकॉज अग्रीमेंट है और वो टूट जाएगा तो दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो जाएगी और और अभी क्या है इनकी हड्डी जो है वो फंसी हुई है गले की हड्डी एफ ए टी एफ है जरा इन्होंने सीज फायर जरा वायलेट किया इंडिया तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकती है।, है सब बंद हो जाएगा इनका तो इस चक्कर में ये कुछ नहीं कर सकते तो अभी फ्रस्ट्रेशन तो निकल ही रही है कैसे निकालेंगे फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका यू यूज ड्रोन बाकी जो यादव साहब में जो नए मिनिस्टर हैं आपके इनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के so he is saying that india will focus on implementing the ambitious plan through concrete actions domestically as well as globally via collaboration such as international solar alliance and the coalition of disaster management. so the concluding day of g20 energy and climate change ki a joint ministerial meeting thi in naples uh, Mehuiti and india had exhibited exemplary resolve by achieving its pre-2020 commitment so india cafe agachaltra has steadfast in its commitment to join and lead efforts to combat climate change and paris agreement. बाकी आकाश एन के बारे में हमने बात की थी कि डी ने सक्सेसफुल uh, टेस्टिंग करी है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज इन चांदीपुर इन उड़ीसा तो ये इंडिजनसली डेवलप किया गया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है इसका एंड मल्टी फंक्शन रेडार एंड कमांड सिस्टम है एंड इट बेसिकली आपके इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को ऐड करेगा ये दिस इज डेवलप बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड बी बाकी इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दू एन एस स्कोर ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिया का स्कोर आया है लगभग नाइन्टी पॉइंट थ्री टू परसेंट अंडर दू एन एस लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब अच्छा है और रिमार्केबल जंप है फ्रॉम सेवेंटी एट पॉइंट फोर नाइन परसेंट इन ट्वेंटी नाइनटीन तो वन फोर्टी थ्री इकॉनॉमीज को इवेल्यूएट किया गया ट्वेंटी ट्वेंटी के सर्वे में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया जो है ट्रांसपेरेंसी में इतना परसेंटेज है फॉर्मालिटीज में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है इंस्टीट्यूशनल अग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन में एटी एट परसेंट पेपरलेस एस बढ़ा है क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस एस भी जो है काफी बढ़ा है और इंडिया का जो ये स्कोर है वो कई सारी ओवीसी कंट्रीज से भी बेटर है लाइक फ्रांस यूके कैनेडा नॉवे फिनलैंड इंडिया हैज अचीव हंड्रेड परसेंट स्कोर फॉर द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स एंड सिक्स के अंदर रुपेनियन ट्रेड कॉम्पोन बाकी मैंने बोला ना डार्ट गेम चालू हो चुका है तो शी जिनपिंग ग्यारह जिनपिंग जो है वो चले गए हैंज बिकम द फर्स्ट चाइनीज लीडर इन मेनी इयर्स टू विजिट तिब्बत एज वेल एज सदर ईस्टर्न बॉर्डर रीजन इन इंडिया तो नीची नेंगची करके जो ये एक एयरपोर्ट है लोकेटेड लेस देन ट्वेंटी किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश सर बीस किलोमीटर दूर है ये तो वहां पर ये गए तेईस मई उन्नीस को सेवनटीन पॉइंट अग्रीमेंट चालू किया गया था साइन की भाई पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत की बात करेंगे ये तो पूरा ही कब्जा करके बैठे हुए आपको पता है क्यों किया गया ड्यू नो वाई इट इज एक बुलेट ट्रेन लॉन्च करी है ग्रीन की आपको याद होगा उसके अलावा हाईवे भी बना रहे हैं वहां पर गूगल अर्थ पर दिखाया था आप लोग को करेक्ट कैन एन बी टेल मी वाई वाई डिड हीज द रीजन फॉर इज विजिट नाउ दलाई लामा को मोदी जी ने बर्थडे विश किया था पहली बार ऑफिशियली पता चला कि मतलब ये चीज हुई थी कि मोदी जी हैड विस्ट दलाई लामा को बर्थडे मतलब पहले क्या तो था विश करते थे बट ऑफिशियली नहीं बताते थे याद आया मोदी जी ने फोन करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी विश दलाई लामा ऑन बर्थडे बाकी जिनका आज बर्थडे है उनको बहुत बहुत बताया आई थिंक दीपक मलिक साहब है उनका बर्थडे दीपक मलिक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे की जन्मदिन की Have Have a good day. Have a good year ahead. And wishing everybody who is having a birthday today a very very successful life ahead. तो ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उनको भी मैसेज देना था ना देखो मोदी जी ने मैसेज दे दिया कि भैया तुम कुछ भी करते रहो आए जि जिनपिंग हम भी जो है डार्ट गेम तुम्हारे से बेटर खेलेंगे इनको भी जवाब देना था क्योंकि इनका क्या है हर चीज शो है शो द स्ट्रेंथ शो ऑफ करना जरूरी है चाइना को तो अगर शो ऑफ नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बाकी फॉर पीस डील तालिबान से तो अब ये अशरफ गनी के खिलाफ तालिबान जो है पूरा मोर्चा खोल चुका है वो बोल रहे हैं गनी साहब को जाना है गनी भाई को जाने की जरूरत है वॉन्टेड मूवी याद आ गई मुझे सो so, तालिबान हैव कैप्चर्ड टेरिटरी इन रिसेंट वीक सीज बॉर्डर क्रॉसिंग एड थ्रेटिंग नंबर ऑफ कैपिटल्स उन्होंने बोला कि भैया हमें देखो मोनोपलाइज नहीं करनी पावर बट जब तक पीस नहीं होगी अफगानिस्तान में जब तक कोई नई गवर्नमेंट नहीं, नहीं आएगी नेगेसिएशन से तो उन्होंने बोला गनी भाई को जाने की जरूरत है तो गनी को बोल रहे हैं कि आप जाओ तालिबानी से तो देखते हैं अभी इट्स अभी इसी को लेके एंटनी ब्लिंकन एक्चुअली इज कमिंग है विजिट ऑन इंडिया तो वो उस पर पता चलेगा क्या है फोर्टी सिक्स पॉइंट टू परसेंट इंडियंज रिपोर्ट पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही दुख की बात है स्टडी कंडक्टेड बाई डेनोन इंडिया ये डेन जो है बहुत फेमस आपको पता है पैकेजिंग फूड पैकेजिंग एंड बेवरेज इंडस्ट्री है कंपनी है तो उन्होंने अलोंग विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ ये सर्वे के जाना पाया कि भैया साइकोलॉजिकल फिजिकल सोशल रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंट ऑफ मोर देन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड अडल्ट इन इंडिया उन्होंने पाया दैट फोर्टी सिक्स पॉइंट टू परसेंट लोग बोल रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भैया बहुत ही खराब बा वेरी पुअर क्वालिटी लाइफ सर तो एवरी टू इंडियन अडल्स हैव रिपोर्टेड अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटी ऑफ कोलकाता हैज रिकॉर्डेड द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ डल विद अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर ममता दीदी देखिए देखिए और से देखिए ममता दीदी आपके देश आपके ही प्रदेश के बच्चे और एडल्ट ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी पुअर मैन कोलकाता वॉज फॉलोड बाई चेन्नई डेली पटना हैदराबाद लखनऊ इंदौर बताओ और मुंबई के लोग बोल रहे हैं भैया बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी की है अपुन अपन अपुन चौल में भी रहेगा अपुन धरावी में भी रहेगा लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम चकाचक मतलब बोले तो बेस्ट

<laughs> of occur in Asia WHO की रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट में बोला कि प्रिवेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया पे काम करना है तो रिपोर्ट ने पाया कि मोर देन टू थर्ड ऑफ ग्लोबल डेथ जो है वो आपकी डूबने से होती है जनरली जो कोस्टल एरियाज है वहां पे जो फिशरमन की सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग फ्लड डिजास्टर्स चाहे वो कोस्टल एरिया में हो चाहे वो आपके इनलैंड हो चाहे नदी के किनारे हो

तो ये डिजास्टर्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए कैसे हमें इंटरवेंशन करना चाहिए क्या करना चाहिए उसके अंदर है कि अभी भी आप देखो तो इसमें एक और भी चीज़ है बाय टू फ्लड्स अकर अब देखो मानसून पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है बट फ्लड्स ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ मैन मेड इंटरवेंशन आप हिमालय में जाके टू तो वो जो है जो तो इम्बैंकमेंट्स उनको तोड़ दोगे कंस्ट्रक्शन करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे फ्लड्स आ जाएंगे तो फ्लड्स को कैसे कम करें फ्लड्स के आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे कम करें कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं उसको हम पे काम करना है तो so, ये रिपोर्ट यूटिलाइज कर सकते हो आप कि भाई डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल डेटा है कि दीज डिजास्टर लाइक फ्लड्स चलिए तो आज के लिए बस इतना ही था फाइनली फटाफट एमसी को सोल्व करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल ये वन स्टॉप सॉल्यूशन डेटा है टू 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 फ्री एंड इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑन इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन इट वाज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बताइए आज दो क्लासेस हैं एक से तीन इज योर आई की क्लास एंड देन आफ्टर दैट वी हैव जिया मोदी वाली क्लास ऑन इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज द किताब सीरीज तो करेक्ट आंसर इज़ ए ठीक है इंडिया में अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन तो सही है बट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च नहीं किया है ठीक है डेवलप्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री डी ने किया है ओके okay जी तो अगला सवाल है सी टैप को लेके सी टैप क्या है इसको डब्ल्यू ने लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी एंड डेटा टू इंक्रीज एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स पहला सेकेंड बोथ या नन फटाफट करके इसको फिर हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास जल्दी से बताइए अरे आज वीडियो लाइक करो यार इतने सारे लोग साढ़े सात सौ लोग क्लास लाइव देख रहे हो वीडियो लाइक नहीं करा आज डिसलाइक करने वाले पांच क्या बात है गजब हो गए कुछ कुछ या तो उन्हें क्लाइमेट चेंज नहीं पसंद है या उन्हें ये नहीं पसंद कि हम बायोसेंट्रिक अप्रोच रखें नहीं द करेक्ट आंसर इज बी टैप जो है कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है लॉन्च किया गया डब्ल्यूच इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ कस्टरी अंडर अ ग्लोबल सॉलिडरिटी कॉल टू एक्शन प्रोग्राम नियरली बाई फॉर फोर्टी मैंने आपको पहले बताया कि बुक्स चाहे आप आज ऑर्डर करो कल सब्सक्रिप्शन लो रिन्यू करो सॉरी गोइंग फॉरवर्ड एनी सब्क्रिप्शन रिविलनीट दाउट वेदर यू गेट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से आपका प्राइस हाइक हो रहा है तो उसके पहले तो देखो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप तो लोग क्योंकि उसके बाद फिर भाई आपको पाँच से छः हजार का घाटा हो जाएगा फाइव टू सिक्स थाउजेंड का प्राइस हाइक होगा तो बेटर है कि आप पहले ले लीजिए बाकी तो ये ब्लॉग पोस्ट सेक्शन ऑन डब्ल्यू 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 डॉट दीपांशु सिंह डॉट कॉम पे आपको सारे नोट्स एन सी आर टी के नोट्स देखिए करंट अफेयर्स के नोट्स कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगी अंडर द सेक्शन ब्लॉग पोस्ट करके नहीं तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे वेबसाइट जब खुलती है तो नीचे लेटेस्ट पोस्ट आते हैं तो लेटेस्ट पोस्ट में भी आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी आप लॉग इन करके अपनी आईडी बना के यू कैन हैव अ डिस्कशन विद अदर पीपल आल्सो यू कैन हैव अ चैट सेक्शन आल्सो बाकी यू कैन आल्सो मैसेज भी अगर मान लो आपको कोई मैसेज करना है कुछ बात करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज और मेल भी कर सकते हो तो जस्ट गो टू दिस वेबसाइट यू कैन दैर इज एन ऑप्शन ऑफ चैटिंग आप वहां पर मेल कर सकते हो मुझे मैसेज कर सकते हो अपनी क्वेरी आंसर भी भेज सकते हो ठीक है बाकी लोन के फॉर्मेट में ये अगर आपको लोन लेना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन डी Telegram. Thank you थैंक यू सो मच a गुड डे कल संडे है कल छुट्टी है कल नहीं मिलेंगे हम लोग सीधे मिलेंगे अब हम मंडे को और मंडे को हम लोग करेंगे दो दिन का एनालिसिस अभी आप रिवाइज करिए आज रात तक आपका पहला सेट ऑफ कंपाइलेशन जो है वो अपलोड हो जाएगा जिसमें लास्ट एक साल के मतलब फ्रॉम जनवरी टू जुलाई एंड देन जुलाई टू टू द मंथ ऑफ जनवरी तक का कंपाइलेशन रहेगा जनरली फ्रॉम जुलाई टू जनवरी रहेगा तो लास्ट मतलब फर्स्ट सिक्स मंथ्स का कंपाइलेन अपलोड हो जाएगा देन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का हम लोग अपलोड कर देंगे। तो डू वॉच आउट फॉर द वेबसाइट एंड इट विल बी शेड द लिंक्स विल बी ऑन टेलीग्राम चैनल चलिए सो एल सी यू गाइज इन प्लस क्लास एट वन पी एम एंड एट फोर पी एम फॉर दी किताब सीरीज थैंक यू वन है गुड